हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं सेमस हीनी द्वारा लिखित कविता फॉलोवर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन बताने वाला हूं। यह पोएम विभिन्न स्कूल और कॉलेज के सिलेबस में पढ़ाया जाता है। अबाउट द पोएट, सेमस हीनी का जन्म 13 अप्रैल 1939 को आयरलैंड के कास्टल डॉसन में हुआ। 30 अगस्त 2013 को उनका निधन डबलिन के ब्लैक रॉक में हुई। उन्हें 1995 में लिटरेचर के लिए नोबल पुरस्कार दिया गया। उनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं डेथ ऑफ अ नेचुरलिस्ट, सिलेक्टेड पोएम्स 1966 टू 1987, द स्प्रिट लेवल, ओपन ग्राउंड सिलेक्टेड पोएम्स 1966 टू 1996 और टू वॉल्यूम्स ऑफ एसेज, द गवर्नमेंट ऑफ द टंग एंड द रीडर्स ऑफ पोएट्री। इस कविता में 6 स्टेंजा हैं। प्रत्येक स्टेंजा में 4-4 लाइन्स हैं। राइम स्कीम हाफ राइम है, ए बी ए बी सी डी सी डी। हाफ राइम से तात्पर्य है कि इनका नियरेस्ट राइमिंग वर्ड्स प्रत्येक स्टेंजा में दिया गया है, जैसे प्लॉ, फरो, स्ट्रंग, टंग एक्सेट्रा। एक कविता के सेंट्रल आइडिया माता पिता और बच्चों के बीच में संबंध को दर्शाता है। एंड इन दिस पोएम हीनी ब्यूटीफुली ब्रिंग्स आउट हाउ मच द पैसेज ऑफ टाइम द रोल ऑफ ए फादर एंड हिज सन अंडरगोज अ चेंज। संजा वन, माय फादर वर्क्ड विद ए हॉर्स प्लॉ। हॉर्स प्लॉ मीन्स खेत जोतने वाला घोड़ा। मेरे पिताजी हॉर्स प्लॉ से काम करते थे। इससे स्पष्ट होता है कि स्पीकर के पिता एक किसान थे। His shoulders gloved like a full sail strung between the shafts and the furrow। इस पीक में देखिए, इस भाग को हम लोग शाफ्ट कहते हैं और यह भाग फरो कहलाता है। शाफ्ट मीन्स लॉन्ग वुडन थिंग्स दैट द फार्मर होल्ड्स ऑन टू एंड दैट आर अटैच्ड टू द हॉर्स। Furrow means the deep line in the earth that the plow is cutting as it moves along। इस लाइन में एस साउंड का रिपीटेशन है, जिसे अलिटरेशन कहते हैं। कभी कहना चाहते हैं कि उनका कंधा अर्थात स्पीकर के पिता का कंधा एक पूर्ण जलयान के स्ट्रेंथ की तरह मजबूत था, जब वे अपने हाथों से हल के स्ट्रिंग को जोर से पकड़ते थे जो शाफ्ट और फरो के बीच में रहता था। लाइक ए फुल सेल स्ट्रंग मीन्स लाइक ए सीप कटिंग थ्रू वाटर। हवा के बहाव के विरुद्ध एक सीप पानी को काटते हुए आगे बढ़ता है। ठीक उसी प्रकार स्पीकर के पिता खेत में शाफ्ट और फरो के बीच खेत को जोतते थे। इससे स्पीकर बताना चाहते हैं कि उसके पिता कितना स्ट्रांग और इफिशियंट थे। The horse strained at his clicking tongue। घोड़ा स्पीकर के पिता के क्लिकिंग टंग पर कठिन मेहनत करता था। Strained means to generate, to work hard or to do a violent effort। क्लिकिंग टंग साउंड इस प्रकार होता है। आपको कुछ याद आया? यह साउंड हम लोग गांव के किसान के द्वारा बोलते हुए सुनते हैं, जब किसान खेत में अपने बैलों से हल जोतता है। बैलों को उत्साहित करने के लिए इस प्रकार का साउंड प्रयोग करता है। स्टेंजा टू, एन एक्सपर्ट। स्पीकर अपने पिता को एक्सपर्ट कहते हैं। ही वुड सेट द विंग एंड फिट द ब्राइट स्टील पॉइंटेड सॉक। इस पिक में देखिए, यह विंग है और यह सॉक है। यह दोनों हल का ही पार्ट होता है। स्पीकर कहते हैं कि उसके पिता न केवल प्लॉ करना ही जानते हैं, बल्कि वे सॉक और विंग भी लगाना जानते हैं। द सॉड रोल्ड ओवर विदाउट ब्रेकिंग एट द हेड रिग। सॉड भी हल का ही एक पार्ट है। इस पिक में देखिए, यह सॉड है। हेड रिग मीन्स स्टार्टिंग प्लेस ऑफ ईच प्लॉड रो। स्पीकर कहते हैं कि सॉड बिना रुके लैंड के सरफेस को रोटेट करके काटता था।
इससे स्पीकर अपने पिता की एक और स्किल को बता रहे हैं। कवि अपने पिता को शॉर्ट फ्लीपर कहते हैं। विद अ सिंगल प्लक ऑफ रेंस द स्वीटिंग टीम टर्न राउंड। विद अ सिंगल प्लक ऑफ रेंस मीन्स लगाम का एक खिंचाव। द स्वीटिंग टीम टर्न राउंड, स्वीटिंग टीम घूम जाता था। स्वीटिंग टीम से कवि का अर्थ है टीम ऑफ हॉर्सेस। कवि कहते हैं कि पिताजी एक बार घोड़ों की लगाम खींचते थे तो घोड़ा घूम जाता था। एंड बैक इनटू द लैंड, और टीम ऑफ हॉर्सेस अपने ट्रैक पर प्लॉन्ग में पुनः शुरू हो जाते थे। हिज आई नैरोड एंड एंगल्ड एट द ग्राउंड। उनकी नजर जमीन पर संकीर्णता और विशेष दृष्टिकोण से रहता था। मैपिंग द फरो एग्जैक्टली, सही सही फरो को खींचते हुए। इसे सिंजा में कवि कहते हैं कि उनके पिताजी के द्वारा एक बार रोप खींचने पर टीम ऑफ हॉर्सेस का ध्यान उनकी ओर हो जाता था और टीम ऑफ हॉर्सेस पुनः अपने ट्रैक पर प्लॉइंग में लग जाते थे। पिताजी न केवल प्लॉइंग में ही अच्छे थे बल्कि वे स्ट्रॉन्ग कमांडिंग और लैंड को बारीकी से प्लॉय करने में भी निपुण थे। सिंजा फोर, आई स्टम्बल इन हिज हॉब नेल्ड वेक। आई से पोएट को रेफर किया गया है। स्टेंजा थ्री तक पोएट्स के फादर के बारे में डिस्क्राइब था और अब इस स्टेंजा में स्पीकर के बारे में है। हॉब नेल्ड वेक मीन्स लैंड का वह भाग जहां हल और किसान के कील वाले जूते प्लॉइंग के समय होता। आई स्टम्बल इन हिज हॉब नेल्ड वेक मीन्स मैं मीन्स कभी हॉब नेल्ड वेक में लड़खड़ा कर गिर जाते थे। फेल समटाइम्स ऑन द पॉलिश शॉट, और कभी 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 पॉलिश शॉट पर गिर जाते थे। पॉलिश्ड से यहाँ अर्थ है कि हल का शॉट जोतने के बाद चमकीला हो जाता है, इसलिए कवि ने पॉलिश शॉट का प्रयोग किया है कि डर्ट इज स्मूथ एंड शाइनी ऑन द शॉट। समटाइम्स ही रोड मी ऑन हिज बैक। समटाइम्स कभी कभी ही रोड मी, वह मुझे चढ़ा लेते थे ऑन हिज बैक, अपने पीठ पर। अर्थात कभी कभी स्पीकर अपने पिता के पीठ की सवारी करते थे। डीपिंग एंड राइजिंग टू हिज प्लॉट। डीपिंग मी झुकना, राइजिंग मीन्स उठना, हिज प्लॉट मीन्स हिज वॉकिंग। जैसे जैसे स्पीकर के पिता प्लॉइंग के समय चलते थे वैसे वैसे स्पीकर अपने पिता के पीठ की सवारी पर उछलता था। संज्ञा फाइव, आई वॉन्टेड टू ग्रो अप एंड प्लॉ। कभी कहते हैं कि मैं बड़ा होना और हल चलाना चाहता था। स्पीकर बड़े होकर अपने पिता की तरह हल चलाना चाहते थे। टू क्लोज वन आई स्टिफन माय आर्म, अपनी आंखों को अनदेखा करना और बाजू को पिता की तरह करा कर लेना चाहता था। कभी ठीक अपने पिता की तरह ही बनना चाहते थे। ऑल आई एवर डिड वाज फॉलो, सभी चीजें जो मैं हमेशा किया वह उनका अनुकरण था। कभी अपने पिता के प्रत्येक टेक्निक और स्किल का अनुकरण करते थे। इन हिज ब्रॉड शेडोज राउंड द फार्म, उनके बड़े छाया में खेत के आसपास था। कभी अधिकांश समय पिता के साथ खेत में बिताया जब वे बड़े हो रहे थे। संज्ञा सिक्स, आई वॉज अ न्यूसेंस, ट्रिपिंग फॉलिंग यापिंग ऑलवेज। न्यूसेंस मीन्स उपद्रवी परेशानी, ट्रैपिंग मीन्स लड़खड़ाना, फॉलिंग मीन्स गिरना, यापिंग मीन्स बड़बड़ाना। मैं हमेशा उपद्रवी, लड़खड़ाता हुआ, गिरता हुआ और बड़बड़ाते हुए रहता था। स्पीकर कहना चाहते हैं कि प्लॉइंग के कार्य में पिता की अधिक सहायता नहीं करता था परंतु उनके पीछे पीछे बड़बड़ाता और लड़खड़ाता रहता था। बट टूडे, लेकिन आज, इट इज माई फादर हु कीप्स स्टम्बलिंग, मेरे पिता ही हैं जो लड़खड़ाते रहते हैं। बिहाइंड मी, मेरे पीछे। एंड विल नॉट गो अवे, और वे अब दूर नहीं जाएंगे। स्पीकर कहना चाहते हैं कि मैं बड़ा हो गया हूं और मेरे पिताजी बूढ़े हो गए। बुढ़ापा के कारण
पिताजी मेरे पीछे लड़खड़ाते रहते हैं, जिस प्रकार मैं बचपन में पिताजी के पीछे लड़खड़ाता था। और अब इस काम को आगे बढ़ाने की मेरी बारी है। कभी कहते हैं कि अब मेरे पिताजी मेरे साथ प्लॉइंग के कार्य में पीछे रहेंगे। स्पीकर इससे अपने पिता और खुद के साथ एक अनब्रेकेबल बॉन्ड को बताना चाहते हैं। इस तरह से आज की कविता फॉलोवर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन समाप्त हो गया। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दे, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दे कि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात।